में हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अंतरा से ब्रजमोहन व्यास जी के द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक लेख कच्चा चिट्ठा के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला है, पसोवा की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो उत्तर इसका है, पसोवा की प्रसिद्धि का कारण था वहां पर जैन धर्म के तीर्थ स्थल का होना। वहां पर हर साल जैन समुदाय का एक बड़ा मेला लगता था। प्राचीन समय से ही इस मेले का धार्मिक महत्व रहा है। यहाँ पर एक पहाड़ी है, कहा जाता है कि बुद्ध देव उसमें व्यायाम किया करते थे। वहां पर एक नाग भी रहता था। सम्राट अशोक ने उसके समीप ही एक स्तूप बनवाया था जिसमें बुद्ध देव के नाखून और बालों का कुछ हिस्सा रखा गया था। लेखक वहां इसलिए जाना चाहता था क्योंकि उसे वहां पर पूरा महत्व की सामग्रियां जैसे मूर्ति सिक्के आदि मिलने की आशा थी। और अब प्रश्न दूसरा, मैं कहीं जाता हूं तो छूछे हाथ नहीं लौटता से क्या तात्पर्य है? लेखक कौशाम्बी से लौटते हुए अपने साथ क्या क्या लाया? तो इसका उत्तर है कि लेखक छूछे हाथ नहीं लौटता, उसका तात्पर्य यह है कि लेखक जहां भी जाते हैं वहां इतिहास और पुरातत्व के लिए कौन सी महत्वपूर्ण सामग्री यहां मिल सकती है उसकी वो वहां खोजबीन करते हैं और उसे किसी न किसी तरह प्राप्त करते हैं और फिर उसे लाकर प्रयाग के नगर पालिका के संग्रहालय में जमा करा देते हैं। कौशाम्बी से लौटते हुए लेखक अपने साथ कुछ मूर्तियां सिक्के और मनके लेकर आए थे। वह एक 20 शेर वजन की चतुर्मुखी शिव की पुरानी मूर्ति भी लेकर आए थे। वह मूर्ति उसी पेड़ के नीचे पत्थरों के ढेर के ऊपर उन्हें मिली थी। और अब तीसरा प्रश्न, चंद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी बिल्ली को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। लेखक ने यह वाक्य किस संदर्भ में कहा और क्यों कहा? उत्तर है, देखिए इसमें ये ध्यान देने की बात है कि प्रश्न क्या है, पूछा गया है कि संदर्भ क्या है, यानी ये कहां पर कही गई है बात उनके लेख में और इसका तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले हम इसका जो संदर्भ है वो यह है कि जब लेखक को पेड़ के नीचे पत्थरों के ढेर में चार मुख वाले शिवजी की मूर्ति दिखाई दी जो कि काफी वजनदार भी दिख रही थी तो उन्होंने लगा कि कहा सोचा कि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्ति है क्योंकि इसके चार मुख हैं, शिवजी के चार मुख वाली मूर्तियां प्रायः कहीं मिलती नहीं है इसलिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। तो उन्होंने कहा कि जब इतनी महत्वपूर्ण मूर्ति यहां पड़ी है और कोई इसका रक्षक नहीं है, कोई इसका देखभाल करने वाला नहीं है तो अब मैं इसको बिना यहां से उठाए तो मानने वाला नहीं हूं और उन्होंने उसको उठा लिया। इस अमूल्य धरोहर को देखकर उनका मन खुश हो गया और वे उसे अपने इक्के पर रखवा कर ले आए। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है कि जिसे पुरा महत्व की वस्तुओं को जमा करने का चाव हो तो वह अपने सामने महत्वपूर्ण सामग्री को देखकर उसे चुरा लेने से भी झिझकता नहीं है। फिर यह चोरी किसी स्वार्थ के लिए नहीं थी, सार्वजनिक संग्रहालय के लिए थी ताकि उस पर आगे अध्ययन और शोध आदि हो सके। और अब प्रश्न चौथा, अपना सोना खोटा तो परखैया का कौन दोष से लेखक का क्या तात्पर्य? ये कहावत है कि जब अपना ही सोना खोटा हो तो परखने वाले को अपन दोष नहीं देंगे कि अरे ये तो बड़ा बेकार आदमी है, इसने हमारे सोने को जो है वो खोटा बता दिया, क्योंकि दोष तो सोने में है। तो लेखक यहां पर इस कहावत को इसलिए कहते हैं क्योंकि जहां कहीं भी पुरातत्व की दृष्टि से किसी महत्वपूर्ण वस्तु को वे देखते थे तो उसे अपने साथ जरूर उठा लाते थे। अतः कहीं से भी कोई मूर्ति गायब हो जाती थी तो सब लोग
लेखक पर ही संदेह करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि एक ही आदमी इस तरह की चीजों का जो है वो संग्रह करता है। प्रश्न पांचवा, गांव वालों ने उपवास क्यों रखा और उसे कब तोड़ा, दोनों प्रसंगों को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर यह है कि गांव वालों ने उपवास तब रखा जब उन्होंने पाया कि उनके गांव की चतुर्मुखी शिव मूर्ति वहां से गायब है, और उन्होंने तय किया कि जब तक वे उसको वापस नहीं ले आएंगे तब तक अपना उपवास जारी रखेंगे, उसे तोड़ेंगे नहीं। फिर वो लोग लेखक के दफ्तर पहुंच गए, वहां पर उन्होंने बताया कि गांव वाले तो अन्न जल ग्रहण करने को तैयार नहीं है जब तक मूर्ति न मिल जाए। तब लेखक ने बहुत ही सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ उस मूर्ति को उन्हें सौंप दिया और कहा कि आपकी इसके प्रति इतना प्रेम है, इतनी आस्था है, तो ले जाइए, आपकी ही है। और उन्होंने मिठाई बुलाकर, जल बुलाकर के उनका उपवास तोड़वाया, मूर्ति की आदरपूर्वक विदाई की। तो इस तरह जो है ये संपन्न हुआ। छठवां प्रश्न है, लेखक बुढ़िया से बोधिसत्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति प्राप्त करने में कैसे सफल हुआ। तो इसका उत्तर यह है कि एक बार लेखक कौशाम्बी के गांव में पुरातत्व सामग्री की खोज में घूम रहे थे, तब उन्होंने एक खेत की मेड़ पर बोधिसत्व की 8 फुट लंबी मूर्ति को देखा। अब मूर्ति की विशेषता यह थी कि वह एक तो बिना सिर की थी, अर्थात उसका सिर टूटा हुआ था, उसके अलावा पैर तक वह पूरी तरह सही सलामत थी और मथुरा के लाल पत्थरों से बनाई गई थी, तो उसका ऐतिहासिक महत्व था। उसे देखते ही लेखक ने तय किया कि इसे वो ले जाएंगे। जब वो उठाने लगे तो एक बूढ़ी स्त्री जो खेत की मालकिन थी उसने उस पर एतराज किया। उसने कहा कि भाई ये मूर्ति हम तुम ये पत्थर कैसे उठा के ले जा रहे हो, इसे तो खेत से निकलवाने में हमको कितना मजदूरी देना पड़ी है। तब लेखक ने कहा कि आप ठीक कहती हैं, आपने जरूर इस पर मजदूरी दी होगी, तो ये 2 रुपया आप रखिए ताकि आपका नुकसान पूरा हो जाए, और ये पत्थर जो बेकार का मेड़ में पड़ा है लोगों का रास्ता रोके हुए है, आने जाने में परेशानी पैदा करता है, मैं इसे ले जाता हूँ। तो बुढ़िया तुरंत मान गई क्योंकि उसे 2 रुपये मिल गए थे। तो इस तरह लेखक उस मूर्ति को पाने में सफल हुए। और अब 7वां प्रश्न है, ईमान ऐसी कोई चीज मेरे पास है ही नहीं तो उसके डिगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि होता तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसा कौड़ी के तो हो ही नहीं सकता था, के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो उत्तर है कि इस कथन के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि देश और समाज के हित में अपने इतिहास को संरक्षित करने के लिए उन्होंने अपने को कठोर ईमानदार नहीं बनाए रखा है, आवश्यकता पड़ने पर सकारात्मक बेईमानी भी वे करते रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने संग्रहालय के लिए विशाल संग्रह बनाया। सकारात्मक बेईमानी से मेरा तात्पर्य यहां पर यह है कि जो बेईमानी देश के लिए की जा रही हो, समाज के लिए की जा रही हो, भले काम के लिए की जा रही हो, तो वह बेईमानी नहीं होती। पर यह कथन कि उसके पास ईमानदारी थी ही नहीं, बस हास्य बोध के रूप में ही लिखा गया है, ऐसा नहीं है। लेखक बहुत ईमानदार थे। अगर ईमानदार नहीं होते तो फ्रांसीसी तस्कर ने जब उन्हें 10,000 रुपये देना चाहे थे तो वे उसे ले लेते, मूर्ति को बेच देते, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और बहुत जगहों पर उन्होंने मूर्तियां खरीदी, पैसे खर्च किए, अपने पास से पैसे दिए। तो लेखक जो है वो ईमानदार है, बस हास्य बोध में वो उस तस्कर की पोल खोलने के लिए, उसके अंदर की भावना जानने के लिए ऐसा कहते हैं। प्रश्न 8वां, 2 रुपए में प्राप्त बोधिसत्व की मूर्ति पर 10,000 रुपए क्यों न्योछावर किए जा रहे थे। तो उत्तर है
कि जो मूर्ति लेखक को केवल 2 रुपए में मिल गई थी उस पर ही कोई और 10,000 क्यों देना चाहता था। तो वो इसलिए कि उस मूर्ति का ऐतिहासिक महत्व था, पुरातात्विक महत्व है, क्योंकि बोधिसत्व की जो भी मूर्तियां तब तक मिली थी उसमें वो सबसे पुरानी थी। वह कुषाण सम्राट कनिष्क के काल की थी, इसलिए वह बहुत मूल्यवान थी। 9वां है, भद्रमथ शिलालेख की क्षतिपूर्ति कैसे हुई स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है कि भद्रमथ शिलालेख जो मजूमदार साहब 25 रुपए देकर प्राप्त कर ले गए थे और लेखक के हाथ से वह चला गया था, उनके पास तक पहुंच नहीं पाया, तो उसकी क्षतिपूर्ति इस तरह हुई कि लेखक उस गांव में गए और वहां गुलजार मियां के कुएं की बॉर्डर पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ एक विशाल पत्थर उन्होंने देखा और वे उसे उखड़वाकर अपने साथ ले आए। और 10वां प्रश्न है, लेखक अपने संग्रहालय के निर्माण में किन किन के प्रति अपना आभार प्रकट करता है और किसे अपने संग्रहालय का अभिभावक बनाकर निश्चिंत हो जाता है। तो उत्तर है कि लेखक ने जिन जिन लोगों को अपना आभार प्रकट किया है वो इस प्रकार हैं, डॉक्टर पन्नालाल आईसीएस, डॉक्टर ताराचंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मास्टर साठे और मूता, राय बहादुर कामता प्रसाद, हिज हाइनेस श्री महेंद्रजू देव नागौद नरेश, सुयोग दीवान लाल भागवेंद्र सिंह, स्वामी भक्त अर्दली जगदेव। लेखक डॉक्टर सतीश चंद्र काला को अपने संग्रहालय का अभिभावक बनाकर निश्चिंत हो जाते हैं। और अब भाषा शिल्प वाले प्रश्नों को लेते हैं। इसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। का, इक्के को ठीक कर लिया। उत्तर है, अर्थ इक्के यानी एक घोड़े वाले टांगे को दिए जाने वाला किराया उन्होंने सुनिश्चित कर लिया। खा है, कील कांटे से दुरुस्त था। तो इसका अर्थ है, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। गा, मेरे मस्तक पर हस माबूल चंदन था। उत्तर हुआ, इसका अर्थ है, मस्तक पर हमेशा की तरह चंदन लगा हुआ था। घा, सुरखाब का पर। तो इसका अर्थ है, किसी विशेषता का होना। और अब प्रश्न दूसरा, लोकोक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। का, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका संदर्भ है, यह वहां पर आया है जहां पर लेखक के द्वारा मूर्ति उठवा लाने पर गांव वाले लेखक के दफ्तर में आ धमके थे। अर्थ है, जो दोषी होता है उसे हमेशा पकड़े जाने का भय रहता है। ख, ना जाने कहीं वेश में नारायण मिल जाए। संदर्भ है, यह उस समय के विवरण में लिखा गया है जब लेखक कौशाम्बी गए थे और पुरातत्व सामग्री की खोज में दर दर भटक रहे थे ताकि उन्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। अर्थ है, इच्छित वस्तु किसी भी रूप में मिल सकती है। गा, चोर के घर छिछोर पैठा। संदर्भ है, यह तब लिखा गया जब लेखक के पास एक फ्रांसीसी तस्कर मूर्ति खरीदने पहुंच गया था। अर्थ है, चोरी करके लाई गई वस्तु को चुराने का काम। घा, यह म्याऊ का ठौर था। संदर्भ है, यह उस स्थान पर लिखा गया है जहां पर लेखक ने संग्रहालय के लिए एक विशाल भवन की आवश्यकता पर विचार किया है। अर्थ, कार्य की पूर्ति का मूल स्रोत। तो यह था लेखक ब्रजमोहन व्यास जी की रचना कच्चा चिट्ठा के प्रश्नोत्तरों वाला हिस्सा। कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार हम ब्रजमोहन व्यास जी का जीवन परिचय करेंगे। तब तक के लिए विदा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।